गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज एक प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। देखिए, इसमें पहले आकृति को हम आकृति के द्वारा समझ लेते हैं। दिया है, इसमें दिया ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं, सबसे छोटी भुजाएं ए बी और सबसे बड़ी भुजाएं सी डी दिया हुआ है। तो दर्शाना है कि कोण ए यानी ये कोण बड़ा है किस कोण से, कोण सी से, यानी कोण ए बड़ा है, कोण सी छोटा है, ये दर्शाना है। और दूसरा में दर्शाना है कोण बी, ये कोण बी बड़ा है किस कोण से, कोण डी से, ये दर्शाना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से बताया जाएगा। देखिए, चतुर्भुज ए बी सी डी में दिया हुआ है, जो पहले दिया हुआ है उसको हमको लिखना है। चतुर्भुज ए बी सी डी में दिया हुआ है, दिया है ए बी सबसे छोटी भुजा है, जो दिया हुआ है उसको केवल लिखते हैं। तथा देखिए सी डी, ठीक है, तथा सी डी सबसे बड़ी भुजा है, जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसको हम ले लिए। अब देखिए, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए कोण ए बड़ा है कोण सी, तथा और क्या सिद्ध करना है, तथा कोण बी बड़ा है कोण डी, ये बात को हमको सिद्ध करना है। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखना, ये बिल्कुल आसान सवाल है। अगर पिछले वाले वीडियो को देख लिए होंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, अगर नहीं देखे हुए तो पिछले वाले वीडियो को देखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, ए बी सी इस त्रिभुज में ए बी सी लिख देते हैं। पहले ये त्रिभुज प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। देखिए इसमें क्या कर दिया गया है, एक मिनट, इसको मिटाएंगे पहले। हमें सिद्ध करना तो लिख दिया गया है, लेकिन रचना में हम क्या किए हैं, ए सी और बी डी को मिलाए हैं। लिख देंगे रचना में लिखेंगे ए सी तथा बी डी को मिलाया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ए बी सी, इसमें देखिए क्या किया गया कि ए सी
और बीडी को मिलाया गया, रचना में लिख दिया गया और इसमें सुविधा के लिए कोण को नाम दे दिया गया, एक एक दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छ, ये सात और ये आठ, जो कि समझने में सहूलियत हो। प्रमाण में लिखते हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज में देखते हैं, क्या करते हैं इस त्रिभुज में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी में ये भुजा छोटी, ये भुजा छोटी और ये भुजा बड़ी है, क्योंकि हमको सवाल में बताया गया कि ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी जो है सबसे बड़ी भुजा है, ये ख्याल रखना, ध्यान रखना, ए बी सबसे, ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। तो हम इस त्रिभुज में आए ए बी सी में, तो देखते हैं कि ये भुजा बड़ा हो जाएगा और ये भुजा छोटा होगा, तो लिखेंगे क्या, बी सी, बी सी बड़ा है, बी सी क्या है, बी सी बड़ा है किससे, ए बी सी, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं बी सी, अब देखिए बी सी कौन सा, बी सी, बी सी के ठीक सामने का कोण हो गया, बी सी के ठीक सामने का कोण वन हुआ, यहां पर लिख सकते हैं कोण वन, कोण वन बड़ा है, और ए बी लिखिए, अब ए बी के ठीक सामने की भुजा देखिए, ए बी के ठीक सामने की भुजा थ्री है, लिखेंगे कोण थ्री है, तो कोण थ्री लिख देंगे, ये कैसे हुआ, लिख देंगे ये समीकरण लिख देंगे एक, और रीजन में लिखेंगे, रीजन में क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा के सामने का कोण, सम्मुख कोण, बड़ी, बड़ी भुजा का, बड़ी भुजा का, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, ये रीजन लिखना होगा, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, तो ये समीकरण एक आया, ठीक है, इस त्रिभुज में एबीसी में। अब हम करेंगे इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में लिए, अब इस त्रिभुज में लेना है, लेंगे पुनः त्रिभुज, इसमें पुनः त्रिभुज लेंगे ए सी डी, ए सी डी में, ए सी डी में, अब देखिए ए सी डी में क्या करते हैं, ए सी डी में, अब आइए कौन सा त्रिभुज ए सी डी में सबसे बड़ी, ए सी डी देखिए, ए सी डी में सबसे बड़ी भुजा है सी डी और ये भुजा छोटी होगी, तो मैंने क्या लिखेंगे, सी डी, सी डी, सी डी बड़ी है किससे, ए बी सी, सेम बात जो पिछले में किए हैं, पिछला वाला में किया है वही बात इसमें भी होगा। अब सी डी, अब देखिए सी डी, सी डी देखिए, सी डी, सी और डी का सम्मुख कोण क्या होगा, सी डी भुजा जो कि बड़ी है उसके ठीक सामने कोण क्या होगा, टू हो जाएगा, लिखेंगे कोण टू बराबर, कोण टू बड़ा है, और ए डी भुजा देखिए, ए डी भुजा का सम्मुख कोण, ए डी ठीक सामने का सम्मुख कोण देखिए फोर, कोण फोर हो गया, और इसमें भी आपका समीकरण इसको मान लेना है दो, और रीजन में लिखना है, रीजन में जो कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, यहां लिखना है बड़ी भुजा का, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ये लिखना होगा बड़ा होता है, और इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है,
अब क्या करेंगे देखिए, समीकरण एक भी मालूम हो गया, इसमें आपको इसमें देखिए यहाँ पर जो किए हैं बी सी बड़ा है ए बी से, ये भी दिया हुआ है, लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है, क्योंकि पहले ही बड़ी भुजा छोटी भुजा दे दिया है और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं दिया है, ठीक है ना, यहाँ तक स्पष्ट दिया है, ये तो बात यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब देखिए समीकरण एक और दो को जोड़ दीजिए, क्या लिखेंगे, अब समीकरण समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, एक बार देखिए जो गौर से, ठीक है, अब समीकरण एक पहले लिख देते हैं, क्या है समीकरण एक में, कोण एक बराबर नहीं, कोण एक बड़ा है कोण तीन, ये समीकरण एक है, और समीकरण दो में क्या दिया, कोण दो बड़ा है कोण चार, ये आपका समीकरण दो है। अब क्या करेंगे, एक और दो को जोड़ेंगे, तो इधर वाले पक्ष को इधर जोड़ेंगे और उधर वाले पक्ष को उधर जोड़ देंगे, बीच में बड़ा का चिन्ह लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर वाले को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोण वन जोड़ कोण टू बड़ा है कोण थ्री जोड़ कोण फोर। देखिए यहां पर, इसलिए आप देखिए कोण एक जोड़ कोण दो, कोण एक जोड़ कोण दो मिलके पूरा कोण ए हो जाएगा, लिखेंगे कोण ए बड़ा है और तीन और चार मिलके सी हो जाएगा, इसको लिखेंगे कोण सी, ये जो है आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए एक में दिया हुआ है ए, कोण ए बड़ा है कोण सी से, एक भाग जो है आपका एक प्रूव हो गया। अब आगे हम कोण बी और बड़ा है कोण डी से प्रूव करेंगे, देख बार देख लीजिए, अब हम इधर से मिटाएंगे, बड़ा सवाल है, बारीकी ढंग से बनाने की जरूरत होती है, जो कि अधिक से अधिक लोगों को समझ में आए, अधिक से अधिक स्टूडेंट को समझ में आए। अब देखिए अब क्या करना है कि पहले हम इस त्रिभुज में लिए, इस त्रिभुज में लिए और इस त्रिभुज में लिए, अब क्या करना है, ए बी डी में लेना है। अब क्या लेना है, लेंगे अब त्रिभुज किसमें, ए बी डी, इसमें लीजिए ए बी डी, और उसके बाद बी सी डी में लेंगे तो दूसरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें लेंगे ए बी डी में त्रिभुज ए ए बी डी, ए बी डी में, ए बी डी में क्या दिया, देखो ए बी डी में देखिए ए बी ए बी डी, तो ये भुजा बारी ए डी भुजा बारी, तो क्या लिखेंगे ए डी, ए बी बड़ी है इससे ए बी सी, ए बी सी, यहां तक बिल्कुल पिछले आप जैसे पहला में किया वैसा इसमें भी करना होगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ए डी, ए डी के ठीक सामने का, देखिए ए डी के ठीक सामने, ए डी जगह लेंगे ए बी डी है ना, ए बी डी, ए डी के ठीक सामने क्या आ जाएगा, फाइव आएगा, फाइव फाइव आ जाएगा, ए डी के ठीक सामने की कोण होगा फाइव, तो कोण फाइव बड़ा है, और ए बी देखिए ए बी, ए बी के ठीक सामने सेवन, ए डी के ठीक सामने सेवन, कौन सेवन, कौन सेवन, ठीक है, यहां पर लिख देंगे ये समीकरण हो जाएगा तीसरा, और यहां पर लिखेंगे क्या, बड़ी भुजा
अई बात बरी भुजा के बरी भुजा के समुख बरी भुजा का समुख कोण बरी भुजा का समुख कोण बड़ा होता है बड़ा होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। पुनः सेम बात वही है, पुनः त्रिभुज अब किसके लेंगे, त्रिभुज अब त्रिभुज ले लीजिए ए बी डी ले लिया, अब लेंगे बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी। बी सी डी में क्या होगा देख लीजिए, बी सी डी में क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा सी डी। क्या लिखेंगे सी डी बड़ा हो जाए, सी डी बड़ा है किससे, सी डी बड़ा है किससे, बी सी से, बी सी। अब क्या लिखेंगे, ये यहां पर तो लिखेंगे दिया है, लिख सकते हैं क्योंकि इसी से बड़ा छोटा भुजा दिया वैसे तो लिखते हैं। अब देखिए सी डी, अब क्या हो जाएगा सी डी, सी डी सी और डी, सी डी के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, कोण छ हो जाएगा ना, कोण छ, कोण छ बड़ा है। और बी सी आइए, बी सी बी सी के ठीक सामने कितना आ जाएगा, आठ, बी सी के ठीक सामने आठ, कोण आठ। यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण चार, और ये रीजन में ऊपर की तरह डू लिख देते हैं, डू ऊपर की तरह जो है वही होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण तीन और चार, समीकरण तीन और चार को, तीन और चार को जोड़ने पर एक मिनट, तीन और चार को जोड़ने पर, अब देखिए लिख लीजिए तीन कितना दे, तीन में क्या दिया, पहले लिख देते हैं, तीन में कोण पांच बड़ा है, कोण सात, ये समीकरण आपका तीन है, और चार में दिया कोण छ बड़ा है, कोण आठ चार। अब क्या करना, केवल बस पहले की पिछले ऊपर वाले की तरह इसके इधर को जोड़ दीजिए और इधर को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, कोण फाइव जो कोण सिक्स बड़ा है, कोण सेवन जो कोण एट। अब देखिए इसीलिए कोण फाइव जो सिक्स, फाइव सिक्स मिलके क्या बना, फाइव सिक्स मिलके बना कोण, कोण बी, तो क्या हो जाएगा, कोण बी बड़ा है, और सेवन और एट मिलके बन जाएगा कोण डी, कोण बी बड़ा है, कोण डी, कोण डी, यही आपका सिद्ध करना है, ये भी आपका हो गया प्रूफ, पी आर ओ वी डी प्रूफ, बिल्कुल आसान तरीका से। लेकिन हम चाहेंगे कि पिछले वाला वीडियो में जितने सारा इस कॉन्सेप्ट को बताया गया है उसको देखिए तो समझ में आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।